बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि ना आगे मतलब फसल उगाने के जो उत्पादन है उसमें आगे वाला टॉपिक क्या है, वो आता है सिंचाई। सिंचाई क्या होती है? जब खेत में हम फसल बो देते हैं या बीज डाल देते हैं कर देते हैं, तो उसको ना निश्चित अंतराल में पानी देना पड़ता है ना, ताकि वो उसकी वृद्धि हो सके, उसका पोषण सही मात्रा में मिल पाए। क्यों? क्योंकि जो पौधों की वृद्धि है उसका सबसे बड़ा जो कारक है वो है जल। तो वो क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, तब मिट्टी से पौधे क्या करते हैं, जल अवशोषण करते हैं, और साथ में क्या क्या करते हैं, उर्वरक तथा खाद जो जल में मिल जाता है उनको भी अवशोषित करते हैं, खाद और उर्वरक। तो इसके लिए सिंचाई क्या है, निश्चित अंतराल में पौधों को जल देना सिंचाई क्या कहता है। सिंचाई के स्रोत, पहले के लोग क्या करते थे और आज के भी जो सिंचाई के हमारे मुख्य स्रोत क्या क्या है, या तो कुआं होगा, यानी हम सबके खेत पे कुआं होता ही है, या तो कुआं होगा या फिर तालाब से आता होगा पानी, या फिर जो हैंडपंप या नलकूप है या बोरिंग करवा रखी है वो सब चीजों से आएगा, या फिर झील नदियां बांध या नहर, ये सारे प्राकृतिक स्रोत है ना। क्या है? प्राकृतिक स्रोत जिनसे हमें जल प्राप्त होता है। फिर आता है सिंचाई के पारंपरिक तरीके, यानी कि जो पहले के लोग पारंपरिक यानी जो परंपरा में चलते आ रहे हैं वो तरीके क्या क्या है। जैसे कि मोट या गिरनी, खेत में ऐसे गोल गोल गिरनी लगी होती थी पहले, और उसके ऐसे धागा मतलब कि जो भी रस्सी वगैरह चेन वगैरह जो भी बनती होती वो गिरनी। फिर आता है चेन पंप, यानी कि ना ये ऐसे गिरनी की यहाँ पे फिर पंप लगा देते थे, तो जैसे पानी यहाँ से जाता वो सब खेतों में चला जाएगा। फिर ढेकली आती है, उसके बाद रहट, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा, रहट से कैसे पानी खींचा जाता है, यानी बेल बेल लगा देंगे आगे गिरनी के आगे और बेलों को बांध देंगे, जैसे बेल आगे जाएंगे वो पानी खींच लेंगे और पानी को डाल के वापस से ना वो जो मतलब बर्तन होता है या जो पंप होते हैं वो सारी चीजें उसमें वापस से कुएं में चली जाती है। तो ये रहट वाला हो गया। तो यानी कि सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन से होंगे, मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट आदि। फिर आता है सिंचाई के आधुनिक तरीके। आधुनिक तरीके क्या क्या है सिंचाई के, यानी कि अभी के छिड़काव तंत्र जो अपने फव्वारे चलते हैं ना, आजकल सभी खेतों में या बहुत सारे खेतों में फव्वारा का सिस्टम ज्यादा ही चल रहा है। तो फव्वारे होते हैं ना जिसमें से पंप से पानी आता है वो चारों तरफ से फैल जाता है, तो छिड़काव यानी कि वो पानी का छिड़काव कर देता है, तो वो छिड़काव तंत्र से पानी भेजते हैं, क्योंकि पानी की इतनी ज्यादा शॉर्टेज आ गई आजकल, यानी पानी की कमी हो गई, इसलिए छिड़काव तंत्र तथा ड्रिप तंत्र सभी जानते हैं। बूंद बूंद प्रणाली, कौन सी बूंद बूंद प्रणाली होती है ना, तो इससे क्या होता है कि जहां जहां पे मतलब कि पौधे लगे हैं वहां वहां पे उस पाइप से ना एक खड्डा कर देंगे, उससे बूंद बूंद टपकता जाएगा और उसी पौधे को प्राप्त होगा वो पानी। तो आजकल क्या है कि पानी की कमी के कारण इन दोनों तरीकों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। फिर आते ये तो हो गई हमारी सिंचाई। सिंचाई के बाद क्या होता है कि जैसे कि पेड़ मतलब कि जैसे पादप या पौधे बढ़ते हैं उनके साथ साथ अनावश्यक जैसे घास वगैरह ये सारी चीजें बढ़ जाती है जो हमें बिल्कुल जरूरत नहीं होती, और अपने जो फसल बो रखी है ना उनका जो मतलब कि ये खाद वगैरह उनका जो पोषण है जो मिट्टी से प्राप्त होता है वो खुद ले लेते हैं, खुद बड़ी हो जाती है, अपनी जो हमने जो मेन फसल बो रखी थी वो छोटी रह जाती है और उसको हानि पहुंच जाती है। तो वो चीजें होती है खरपतवार, यानी खेतों में कई अनावश्यक पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं जो फसल को हानि पहुंचाते हैं, इन चीजों को खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार। अब खरपतवार को हटाना, खरपतवार को हटाना क्या कहलाता है? निराई गुड़ाई। हम बोलते हैं निराई गुड़ाई हो रही है, तो वो क्या होती है, खरपतवार हटाने की क्रिया को ही निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने का सही समय कौन सा होता है? पुष्पण तथा बीज बनने से पहले, जैसे पौधा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो गया फिर उसके बाद क्या है कि पुष्प लगने लग जाते हैं, तो उनसे जस्ट पहले उसको हटा देते हैं, जैसे कि मतलब कि ना निराई या वो कहते हैं ना निनामी करते हैं, तो वो खरपतवार हटाने के लिए करते हैं अपने निनामी वगैरह खेत में। तो इसको क्या है, पुष्पण तथा बीज बनने से, यानी पौधों के ऊपर जो ना पुष्पण या फल बनेंगे बीज बनेंगे ना उनसे जस्ट पहले हम निराई करते हैं। फिर आता है आजकल खरपतवार नाशी, यानी कि खरपतवार हटाने के लिए, खरपतवार हटाने के लिए मार्केट में क्या आ रहे हैं,
खरपतवार नाशी यानी खरपतवार का नाश करने वाले उनको बोलेंगे खरपतवार नाशी। मार्केट में ऐसे इसी नाम से खरपतवार नाशी 2 और 4D इस नाम से मार्केट में मिलते हैं, जिन्हें हम लाते हैं छिड़क देते हैं। खरपतवार छिड़कते तब क्या करते हैं, एक पाइप में हम डाल देंगे वो दवाई, जो भी दवाई डाल रहे हैं उसको मतलब कि फव्वारे से पूरे खेत में फैला देंगे और अपना मुंह ढक लेंगे ताकि वो अपने नाक में या श्वसन तंत्र में ना जाए, हमें ना हानि पहुंचे या हमारे त्वचा को हानि ना पहुंचाए। इसके लिए हम ग्लव्स भी पहन लेते हैं और बाकी सारी जगह छांट देते हैं ताकि जो ना सब जगह छट जाएगी वो खरपतवार, तो वो जो सारी खरपतवार होगी वो हटती जाएगी या खुद खत्म हो जाएगी। ठीक है आज के लिए।